नमस्कार, मैं अमित सक्सेना टेंपल ऑफ सालुंग गुंफू और बॉडी मेसन हेल्थ क्लब रूपनगर हल्द्वानी से आज आपके सामने फिर एक बहुत जबरदस्त वीडियो लेकर आए, और वो वीडियो इतनी अच्छी है कि मैं उसके बारे में जो भी कहूँ वो कम होगा, वो आप इसको देख के ही आपको पता चलेगा। लेकिन ये वीडियो है किस बारे में, तो ये वीडियो है जो पतले युवक और युवतियां हैं उनके लिए जिनको वेट गेन नहीं हो पा रहा है, जो अच्छी डाइट लेने के बाद भी तंदुरुस्त नहीं हो पा रहे हैं, जो अच्छा खाना खाने के बाद भी, उचित न्यूट्रिशंस के बाद भी सही उनका वेट नहीं आ पा रहा है और बड़े पिचके पिचके से लगते हैं, तो मैं उनके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। और इसके लिए मुझे मेरे ही कुछ फॉलोअर्स ने बार बार मुझे प्रेरित किया कि आप हमारे लिए कोई वीडियो बनाइए। तो आज उनके लिए भी वीडियो बना रहा हूँ मैं। और सबसे पहले मैं आपको थैंक्स बोलता हूँ, बहुत बहुत थैंक्स बोलता हूँ कि जिस तरीके से आप लोगों ने मेरा उत्साहवर्धन किया है, मुझे सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके, तो उससे मेरा मन और ज़्यादा उद्वेलित हो जाता है कि मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो आपके सामने लाऊं। लेकिन हाँ, एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया, बहुत सहयोग कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको वीडियो के अलावा एक और चीज़ देना चाहता हूँ, और वो चीज़ आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो आपके हेल्थ के लायक ही चीज़ है। बहुत गजब का गिफ्ट मैंने सोच रखा है अपनी तरफ से, अपने हर उन लोगों को देने के लिए जो मुझे लाइक कर रहे हैं, जो मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं और जो लगातार मुझे टैग कर रहे हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों को मैं एक गिफ्ट देने की सोच रहा हूँ, और मैं रैंडमली उसको धीरे धीरे करके सभी लोगों के पास ये गिफ्ट पहुँचाने की कोशिश करूँगा। लेकिन वो गिफ्ट है क्या, ये एक रहस्य है, और ये मैं बताऊंगा आपको वीडियो के एंड में। वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ है और आपके लिए बहुत लाभदायक है, लेकिन आप मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा और उस गिफ्ट में शामिल होने की कोशिश करें। और वो गिफ्ट आपको कैसे मिलेगा, उसको जानने के लिए आपने वीडियो शुरुआत से एंड तक देखनी है, और वीडियो एंड करके जो आप देख लेंगे तो उस पर एक लाइक जरूर करिएगा, कोई कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हमको पता चल सके कि हाँ आपने वीडियो देखी है और उसके बाद उस गिफ्ट के आप हकदार हो सकते हैं। और अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। किस बात की वीडियो, कि हम अगर पतले हैं तो कैसे हम वेट गेन करें, कैसे हम तंदुरुस्त हों, कैसे हम मजबूत हों, और कैसे हमारा एक लुक आए, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। पतले लोगों पे कपड़े टांग दिए जैसे लगते हैं ना, कहते हैं कि वो हैंगर पे कपड़े टांग दिए, तो हमको कैसे बाय फिगर या बाय फिजिक एक बहुत अट्रैक्टिव लुक लाना है, इसके लिए करना यह है कि आपने सबसे पहले अपना वेट नापना है, अपने हाइट के अकॉर्डिंग उसका BMI चेक करना है। और BMI कैसे चेक करेंगे, BMI चेक करने का बहुत इजी तरीका है, अगर आपको कुछ नहीं पता है, आपको पता है तो भी बहुत इजी तरीका है, toskindia.in हमारी वेबसाइट है जिसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाए, उसमें आप चेक करेंगे, और चेक करने के बाद आप देखेंगे कि आपका वेट कितना कम आ रहा है, उसके हिसाब से हम इसको एक्सरसाइज को करेंगे, उसके हिसाब से हम इसमें वर्क करेंगे अपने। अब अगर आप पतले हैं और आप अच्छी डाइट ले रहे हैं, अच्छे न्यूट्रिशंस ले रहे हैं, उसके बाद भी हेल्दी नहीं हो पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो आपके अंदर कमी चल रही है ना, कोई तो प्रोसेस ऐसा है जो आपके अंदर बिग चल रहा है। अब वो प्रोसेस क्या है, उसके लिए आपने कई बार डॉक्टर के पास अगर नहीं गए तो डॉक्टर के पास जाइए, पूछिएगा क्या है, और अगर उसके बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है तो फिर मैं बता रहा हूँ कि वो कमी है क्या। वो कमी है कि आपका लीवर या आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही ढंग से, सही प्रोसेस में वर्क नहीं कर रहा है।
या फिर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहे हैं। अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं तो भी हम वीक होते हैं। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही वर्क नहीं कर रहा है तो भी हम वीक होते हैं। अगर हमारा लीवर वीक है तो भी हम वीक होते हैं। बहुत सारी चीजें इस पर निर्भर करती हैं। अब मैं सबसे पहले इसको क्रम से आपको बताता हूं कि आपने करना क्या है। आपने अपना BMI चेक कर लिया, आपका वेट कम निकला, इसीलिए आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो अब आपको करना क्या है, आपने सबसे पहले एक चीज का याद रखें कि आपने नींद बहुत अच्छी लेनी है। नींद बहुत अच्छी लेनी है आपको। रात को एक निश्चित समय पर लगभग 9 से 10 बजे के बीच सोना है। सुबह आपने लगभग 5 बजे के करीब उठना है। ये आप निश्चित कर लें। अगर ये सुनिश्चित हो गया है आपका तो आपका वेट इंक्रीज होने में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होगी। अब दूसरी बात कि हम उठ भी जाते हैं फ्रेश फ्रेश होने के बाद। बहुत सारे वैज्ञानिकों का कहना है कि हमको उठने के 3 घंटे के अंदर अंदर कुछ डाइट मिलनी चाहिए, क्योंकि बॉडी रात भर की हमारे जो हम फूड लेते हैं वो बॉडी रात भर उसको पचा देती है और हमारी बॉडी भूखी होती है। तो हमें सुबह कुछ लेना चाहिए। अब सुबह हम ऐसा क्या लें, मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो वीक है। तो उनके लिए सबसे उत्तम जो चीज है वो है दलिया। यदि आप नमकीन या मीठा दलिया, जैसा आप लाइक करते हो, नमकीन या मीठा दलिया अगर आप सुबह मॉर्निंग में लेते हैं तो वो आपके हेल्थ के लिए बहुत उत्तम है, बहुत उत्तम है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसमें चीनी डालें या गुड़ डालें। अगर गुड़ डालते हैं आप तो वो आपके हेल्थ के लिए भी लाभदायक है। चीनी थोड़ी सी सफर की वजह से थोड़ी सी नुकसानदायक है, ये आप जानते हैं। हमने सुबह का नाश्ता ले लिया, क्या ले लिया, दलिया। अच्छा एक चीज और है, अगर हम मोटे होना चाहते हैं तो हमारे पास एक आइटम और है बहुत अच्छा। जैसे रात को हम खाना खाते हैं और हमारे रात की रोटी बची रह जाती है, तो वो या हम बनवा के रखें, 2 रोटी कम से कम बना के रखें और 1 गिलास गर्म दूध लें, खूब गर्म दूध लें, उसमें इतना सा गुड़ डालें और रोटी को छोटे 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 टुकड़े करके उसके अंदर डाल के उसको घोट दें, बहुत अच्छा घोट दें, और उसके बाद वो हम चम्मच से खाना शुरू करें। यकीन जानिए अगर आपने ऐसा किया तो 7 दिन के अंदर अंदर आपका फोन मेरे पास आएगा, ये कन्फर्म है, कन्फर्म है, कन्फर्म है। केवल 7 दिन के अंदर अंदर आपका फोन आएगा कि आपके शरीर में कुछ ताकत सी लग रही है, आपका शरीर आपको हेल्थी से हुए और नेचुरल प्रोसेस में, नेचुरल प्रोसेस में। मैं कोई मेडिसिन नहीं बता रहा हूँ, हालांकि मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन का वर्क करता हूँ, लेकिन मैं अपनी कंपनी का नाम या अपनी कंपनी की कोई भी मेडिसिन आपको नहीं बता रहा हूँ, ताकि आप ये ना समझे कि मैं ऐड कर रहा हूँ। तो मैंने क्या चीज बताई आपको, मैंने बताया आपको दलिया या जो रात की रोटी है और दूध मिला के खाने का, पहली बात। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें लगभग, या हम 8 बजे के करीब का प्रोसेस बना लेते हैं, ठीक है, हमें लगभग 10 बजे हमें कुछ फ्रूट खाना है। जैसे सेब ले लिया, केला ले लिया, इस तरीके का कोई फ्रूट हमें खाना है। और कितना खाना है, मिनिमम आपने 150 ग्राम खाना है। मेरे ख्याल से 2 या 3 केले का वजन 150 ग्राम हो जाता है, या 2 सेब का वजन, और बड़ा सेब हुआ तो 150 ग्राम का हो जाता है, वो लेना है आपने। इसके बाद मैं बार बार डाइट नहीं बता रहा हूँ, इसके बाद जब आपको भूख लगे, एक्चुअली इसका एक बहुत बड़ा लॉजिक ये है कि जब आपको भूख लगे आपने तब खाना है, क्योंकि जब आपको भूख लगती है तो आपके छोटे इंटेस्टाइन आपको बताते हैं कि आपको भूख लग रही है, आपका ब्रेन आपको बताता है कि आपको भूख लग रही है, और उस समय हम नहीं देते हैं तो क्या होता है कि हमारी भूख मर जाती है और उसके बाद हम 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद खाना खाते हैं, तो वो हम अपनी भूख से कम खाते हैं। पहली बात तो सबसे पहले ये समझिए कि हम अपनी भूख से कम खाते हैं, और चूंकि उस समय हमें भूख लग नहीं रही होती है, लेकिन भूख हमें लगी होती है, हम उसके लिए खाते हैं, तो वो उतना प्रॉपरली वर्क नहीं करता। एक्चुअली जिस समय जिस चीज की जरूरत हो उस समय हमें डाइट देनी चाहिए, ठीक है। तो
अब दोपहर का एक निश्चित समय इसीलिए डिसाइड कर लेते हैं कि हम 12 से 1 बजे के बीच या 1:15 बजे के 1:30 बजे तक हमारा एक लंच टाइम होगा। इस लंच टाइम को करने से पहले, लंच में जाने से पहले, लंच करने से कम 30 मिनट पहले कुछ सलाद खा लें। इसमें देखिए चुकंदर ले सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ होती है, आप जानते हैं, चुकंदर ले सकते हैं, मूली ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं, सलाद में खीरा ले सकते हैं, ककड़ी ले सकते हैं, और अगर आप करना चाहते हैं तो थोड़ा सा सलाद बनाइए, थोड़ा सा पत्ता गोभी जो बंद गोभी होती है उसको लीजिए, हल्का सा तवे पर या किसी कढ़ाई में उसको ब्राउन करिए, उसमें मिलाइए और उसके ऊपर काला नमक काली मिर्च छिड़किए और थोड़े से अनार के दाने जरूर डालिएगा। ओ वाह, मेरे तो मुंह में पानी आ गया, इतना जबरदस्त सलाद होता है वो और कितना न्यूट्रिशंस वाला। अभी देखना, हाई कैलोरी हाई न्यूट्रिशंस हाई वेरी पावरफुल सलाद होता है वो। आपने सैलेड ले लिया, उसके बाद आधा घंटे बाद करीब आपने अपनी जो भी डाइट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 4 रोटी खाते हैं तो आप 6 रोटी खाना शुरू करते हैं, 5 रोटी खाना शुरू करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। आज आप 4 खा रहे हैं, मैं आपसे कहता हूँ कि आप आधा रोटी आज बढ़ा दीजिए, आज से 3 दिन बाद फिर आप आधा रोटी बढ़ा दीजिए, उसके 3 दिन बाद फिर आप आधा रोटी बढ़ा दीजिए, तो मैंने राक्षस थोड़ी बनाना है। अरे भैया, अन्न की बचत करनी है, उसी अन्न में बहुत सारे लोगों का पेट भरना है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप डाइट अपनी वही रखिए जो आप ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन निश्चित समय पर आपने डाइट ले ली, ठीक है, आपने डाइट ले ली, खाना खा लिया, आपने भरपेट जितना आपका मन आया आपने उतना खाना खा लिया। इसके बाद क्या करना है, हमने पानी तुरंत पी लिया, सबसे बड़ी बात हमने पानी तुरंत पी लिया, क्योंकि अगर हम तुरंत पानी पीते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे जठर में ना अग्नाशय में हमारे एक्चुअली क्या होता है, एक रस निकलता है, जिसे कहते ना अग्नि जल रही, वो एक्चुअली अग्नि नहीं जलती, वो एचसीएल होता है, वो इतना तीव्र होता है कि अगर वो शरीर स्किन पे कहीं गिर जाए ना तो जलाते रहते हैं। लेकिन वो एचसीएल को अगर हम पानी गटागट करके पानी पी लेते हैं तो क्या होता है, पानी में बेस होता है तो वो एचसीएल को दबा देता है, तो हमारा खाना डाइजेस्ट होने में समय लगाता है, वो लुक दिया जीत सड़ सा जाता है, तो हमने खाना नहीं खाना, वो खाना तो खाना है, पानी नहीं पीना है वहाँ पर। पानी कितनी देर पीना है, पानी लगभग हमने 40 मिनट बाद पीना है, लगभग 40 मिनट बाद। अब पानी पीने का भी तरीका मेरी पहले की वीडियो देखिएगा, मैंने सबको बता रखा है पानी पीने का तरीका, सबसे उत्तम तरीका है जो मैं बतला रहा हूँ, ये इस तरीके से पानी पीना है। आपने एक घूंट पानी पिया, आपने अपने पूरे मुंह में घुमाया, नंबर एक मुंह के अंदर जो मॉलिक्यूल्स या गंदगी वगैरह फंसी रह जाती है वो निकल जाती है। दूसरी बात, मुंह के अंदर जो बेस होता है, जीव हमारी एक ऐसी फैक्ट्री है जो हर समय चलती रहती है, हर समय बेस बनाती रहती है, तो जो बेस होता है वो बेस हमारे इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, तो हमारे अग्नाशय की अग्नि को शांत कर देता है, अग्नाशय की अग्नि को शांत कर देता, मतलब क्योंकि हमारा खाना डाइजेस्ट हो गया ना 40 मिनट में, अब उसको शांत कर देगा तो हमें एसिड की वो नहीं होती, हमें गैस नहीं बनती, कब्ज नहीं होती, एसिडिटी नहीं होती, वो हमने खा लिया, पानी पी लिया। अब इसके बाद, लेकिन ये भी नहीं करना हमें कि हमें बार बार खाना है, ऐसा मत करना। अब इसके बाद हमें आराम से अपना जो भी वर्क कर रहे हैं हमें वो वर्क करना है, लेकिन आफ्टर 4 आवर्स, 4 घंटे बाद, सपोज मैंने 1 बजे लिया तो 5 बजे, ठीक है, मुझे कुछ हल्का सा कुछ चाहिए, हल्का सा क्या चाहिए, हल्का सा एक नाश्ता जैसा चाहिए, हल्का सा कुछ ऐसा चाहिए जिससे मेरा पेट, क्यों भूख लगनी शुरू हो जाएगी मैं पहले बता रहा हूँ, जिससे मेरा पेट भारी भी ना हो, भरे भी ना, और उसका संतुष्टि भी हो जाए। लेकिन मैदा की कोई चीज नहीं, सफेद नमक, मैदा रिफाइंड से तले हुए पकौड़े नहीं, इस तरीके की चीज़ नहीं खानी। लोग बहुत ज़्यादा भ्रम में रहते हैं, वो कहते हैं कि अगर मतलब ये फास्ट फूड जंक फूड खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये मत सोचना जंक फूड खाएंगे तो आप मोटे हो जाएंगे, जंक फूड आप में बादीपन लाता है, मोटा थुलथुला मोटा कर देगा। मैं यहाँ मोटे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके अट्रैक्टिव फिगर की बात कर रहा हूँ, अट्रैक्टिव फिजिक की बात कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ लेंगे जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा होगा।
अब इसके लिए क्या हो सकता है, जैसे आपने थोड़े से अखरोट ले लिए या कुछ आपने कहते हैं काजू ले लिए, किशमिश ले लिया, बादाम ले लिया, कुछ इसे अगर आप ये भी नहीं ले पा रहे हैं, अगर आप ये नहीं ले पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, कुछ सलाद ही सही। सलाद भी नहीं ले पा रहे कोई बात नहीं, मूंगफली के दाने सही, मखाने सही, या सोयाबीन सही, उबले हुए सोयाबीन सही, इस तरह की कोई भी चीज, उबले हुए चने सही, भीगे हुए चने सही, थोड़ा सा हमें खाना, थोड़ा सा हमें खाना। और ये खाना क्यों है, हमें बहुत ज्यादा नहीं खाना, थोड़ा सा खाना है। खाना क्यों है, क्योंकि हमें उससे भूख लग रही होती तो हम उस भूख को मारेंगे नहीं, कुछ खाएंगे। उसके बाद हमें रात को जब डिनर पे जाएंगे, रात को जब डिनर, ये मैं अभी डाइट की बात बता रहा हूँ, रात को जब हम डिनर पे जाएंगे तो डिनर पे जाने पर हमें फिर वही प्रोसीजर करना है कि डिनर से आधा घंटा पहले करीब हमने क्या खाना है, सलाद खाना है। डिनर से आधा घंटा पहले सलाद खाना है, उसके बाद जैसा आपका मन करे वैसा आपने डिनर करना है। कम मन करे कम करिए, ज़्यादा मन करे ज़्यादा करिए, जैसी मर्जी हो वैसा डिनर करिए, लेकिन पानी कितनी देर बाद पीना है, फिर पानी 40 मिनट बाद पीना है। यही प्रोसीजर है डाइट का, यही खाना है, इसी तरीके से खाना है। और अब बात आती है दूसरी कि हमने खाने की बात तो कर ली, लेकिन आखिर ऐसा प्रोसीजर क्या है कि हमारा वेट इंक्रीज नहीं हो रहा है। खाना मैं तो बहुत खाना खा रहा हूं, लेकिन पता नहीं मुझे लगता ही नहीं है, अधिकतर लोग कहते हैं, तो चेक करा लीजिए कहीं लीवर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर लीवर में कोई प्रॉब्लम है तो लीवर की मेडिसिन चलाइए, अगर इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम है इंटेस्टाइन की मेडिसिन चलाइए, एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करिए और मेरे इस प्रोसीजर को जरूर करिए। और यदि आप लीवर की टैबलेट ना लेना चाहें, दवाई ना लेना चाहें, तो मैं आपको बता दूं कि मेरी इसी चैनल पर लीवर कैसे ठीक करें नामक साइट वीडियो है, आप उसको चेक करें, आप उसको देख सकते हैं। और अब मैं आता हूं कि हमें करना क्या है। दूसरी चीज ये तो हमने मैंने बता दिया कि आपको रेस्ट करना है, आपने डाइट लेनी है। अब नेक्स्ट चीज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने करना क्या, आपने थोड़ा सा समय अपने लिए निकालना, सिर्फ 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट अपने लिए निकालिएगा। इस 15 मिनट के अंदर आप योगा करें, एक्सरसाइज करें, कुछ भी करें, जरूर करना है। चाहे आप उठक बैठक मार लें, स्क्वाट पार दें, पुशअप पार दें, ठीक है, योगा कर दें, कुछ भी करें, लेकिन 15 मिनट आपको अपने लिए सुबह से रात तक कभी भी निकालने बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, ये एक्सरसाइज की बात आ गई, मैं एक्सरसाइज, अगर आपने कौन सी एक्सरसाइज करें, अगर आपने ये जानना है कि कौन सी एक्सरसाइज करें, तो भी आप मेरे चैनल्स पे जाइए, मेरे चैनल पे बहुत सारी एक्सरसाइज की वीडियो पड़ी हुई है, आप उसमें से चूज कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मुझे योगा क्या करना है, योग में क्या करना है, तो भी आप मेरे चैनल पे जाइए और बहुत सारी उसमें वीडियो पड़ी हुई है जिसमें आप देखिए कि योग के द्वारा हम कैसे अपने आप को फिट रख सकते हैं। अब इसके बाद मैं अमित सक्सेना आपको इस वीडियो के बाद एक जो बात मैंने कहा था कि मैं ये बताऊंगा आपको कि आपको मैं गिफ्ट क्या देने वाला, तो मैं जिसके व्यूज लाइक कमेंट मेरे पास आएंगे, जिसके कमेंट आएंगे मुझे पता चलेगा कि इन इन लोगों के कमेंट आए हैं, मैं उनमें से कुछ लोग चूज करूँगा, मैं उनमें से कुछ लोग चूज करूँगा। अगर मेरे पास 200 कमेंट आते हैं तो मैं लगभग उसमें से 10% चूज करूँगा, 20 लोगों को मैं अपनी तरफ से उनकी हेल्थ के लिए मैं ये डेल्टास कंपनी की लिप केयर दूंगा। और ये लिप केयर आपके लीवर के लिए बहुत उपयुक्त है, ये 100% ये नेचुरल है, आयुर्वेदिक है, हर्बल है, और इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली है जो आपके शरीर को, कोई भी केमिकल ऐसा नहीं मिला जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सके। और इसके साथ
मैं जो मैं बता रहा हूँ कि 10% लोगों को करूँगा तो 5% लोगों को ये और 5% लोगों को मल्टीविटामिन मैं अपनी तरफ से गिफ्ट करूँगा। और ये गिफ्ट इसलिए नहीं है, ये कोई लालच नहीं दे रहा हूँ मैं, ये गिफ्ट इसलिए है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ के लोग जो मुझे लाइक कर रहे हैं कम से कम वो तो स्वस्थ रहें। इसी के साथ मैं आपसे एक बार और रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें से किसी भी चीज़ पर आपका अधिकार हो सकता है। थैंक यू।